हेलो, मेरा नाम हर्षित है और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के डिफेंस सेक्टर की। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो कि इंडिया है वो 60-70% अपने वेपन्स इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, जैसे कि US, इसराइल, रशिया। और इसका मेन रीज़न ये है कि जो इंडिया की स्टेट ओन डिफेंस कंपनीज हैं वो अब कैचअप नहीं कर पाती उनकी इनोवेशन से, जैसे कि दूसरे देशों से, इसराइल, रशिया और US से। और इसका रीज़न ये है कि कंपनी इतनी चल नहीं पाती कि इंडिया की जो कंपटीशन है, इंडिया की जो डिफेंस कंपनी में कंपटीशन है वो नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि एक कंपनी है वो डिफेंस बनाएगी, उसको पता है और कोई उसको रिप्लेस करने वाला है नहीं, उसके डर नहीं है, तो वो इतना मतलब अपना बेस्ट नहीं निकल पाती, तो कॉम्पिटिशन उनका बेस्ट निकल पाता है और इतना इनोवेशन भी नहीं हो पाता है फिर कॉम्पिटिशन नहीं है तो। और इसका सोल्यूशन यही है कि हमें डिफेंस सेक्टर में थोड़ा प्राइवेटाइजेशन लाना चाहिए, ठीक है, और इससे कि हमारा कंपटीशन बढ़ेगा और एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो लेजी नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता होगा जो सरकारी एम्प्लॉय होता है उनको इतने सारे मेरिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट पेंशन वगैरह वगैरह, तो अपना गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपना बेस्ट निकालवा नहीं पाता, तो इससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और इनोवेशन भी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब और फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन लाना शुरू कर दिया है, और अभी जो गवर्नमेंट है वो बस आपके जो अप्रूवल के लिए बहुत बात कर रही है, मतलब डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने, और आप अपना अप्रूवल के लिए सपोर्ट करने के लिए हमें सरकार को वो मतलब कह सकते हैं बाय यूजिंग हैशटैग प्राइवेटाइज डिफेंस सेक्टर। ओके।